नमस्कार, मैं हमिद खान और मैं इस वक्त आपके सामने 2013 में आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। और सामान्य अध्ययन पेपर थ्री कहना चाहिए, जनरल स्टडीज पेपर थ्री में इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पर ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें एक प्रश्न आया है, दक्षिण एशिया के अधिकतर देशों तथा म्यांमार से लगी विशेषकर लंबी छिद्रित सीमाओं की पुष्टि की दृष्टि से भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां सीमा प्रबंधन से कैसे जुड़ी है। हाउ फार आर इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस लिंक्ड विद बॉर्डर मैनेजमेंट, पर्टिकुलरली इन व्यू ऑफ द लॉन्ग पोरस बॉर्डर्स विद मोस्ट कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया एंड म्यांमार। 200 वर्ड्स में आया है, 10 नंबर का। और दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में आपको बॉर्डर मैनेजमेंट पर प्रश्न है, खासकर जो पोरस बॉर्डर कहा जाए, पोरस बॉर्डर लाइक जो पूछा गया म्यांमार तरफ में देखा जाए तो उधर के जो राज्य हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि नागालैंड का राज्य है और नागालैंड के साथ साथ इधर अरुणाचल प्रदेश का भी हिस्सा उधर से लगता है। तो एक तो हमें ये बताना होगा कि पोरस क्यों है। तो पोरस होने का एक बड़ा कारण है कि भौगोलिक स्थितियां वहां की सही नहीं है, घने जंगल, पहाड़ी और उबड़ खाबड़ रास्ते, तो इनके कारण हम फेंसिंग पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। गवर्नमेंट के लिए अपने आप में चुनौती है क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस भी सभी जगह पर बराबर नजर नहीं रख पाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात की एक तो दूसरे देशों की समस्या, तो दूसरे देश में चैलेंज है वो अपने आप में बड़े हैं, जैसे बांग्लादेश भी इसमें शामिल होता है। तो बांग्लादेश की सामाजिक स्थितियां, आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं है, म्यांमार की सामाजिक आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं है, तो वो उधर से जो पनपने वाला आतंकवाद है और उनके द्वारा भारत में हथियारों और ड्रग्स और अवैध धन का जो व्यापार होता है अपने आप में चुनौती है। और ऊपर से कि भारतीय राज्य अलगाववाद की चुनौतियां से गुजर रहे हैं, तो नागालैंड वगैरह जैसे आपको पता ही है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से दोनों ही दायरे में ये चुनौतियां प्रस्तुत होती है। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि सबसे पहले तो भौगोलिक स्थिति एक्सप्लेन कर दीजिए कि उस क्षेत्र की सीमा किन किन राज्यों के साथ जुड़ी है म्यांमार के साथ, वो एक्सप्लेन करने के बाद ये चुनौतियां हैं क्यों और पोरस बॉर्डर किसे कहते हैं, इसको समझाया जा सकता है। और चूंकि प्रश्न भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां सीमा प्रबंधन से कैसे जुड़ी है, तो सीमा प्रबंधन इसलिए चूंकि वहां से आतंकवाद, नशीले पदार्थ, अवैध व्यापार, हथियारों का व्यापार, ये सब मुद्दे हैं, तो इनको समझाया जाएगा। और साथ ही साथ चूंकि 200 शब्द का प्रश्न है तो इसमें कुछ समाधान दे देंगे, जैसे भारत फेंसिंग कर रहा है और इसके अलावा पड़ोसी जो सीमा से लगे हुए जो गांव हैं उनमें पहचान पत्र वगैरह आवश्यक बना दिया जाए, और साथ ही वहां पर जो BSF वगैरह है या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जितने भी हैं, इधर ITBP हम देख सकते हैं या SSB दे सकते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग सीमाओं में बलों को रखा गया, तो उस आधार पर हम ये देख सकते हैं असम राइफल्स हो गए, तो इन सभी की भूमिका पर भी एक आवश्यक आपको बिंदु उठाना होगा। इसके अलावा फ्लड लाइट्स वगैरह वहां पर लगाने होंगे, साथ ही साथ कि जो सीमा के आसपास के गांव में सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर करना होगा ताकि जो अलगाववाद की समस्या है वो अपनी चुनौती बड़ी ना बने, और साथ ही साथ म्यांमार जैसे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध को बेहतर बनाकर आतंकवादियों पर कार्रवाई करने कहा भी गया है। और साथ ही साथ आपने देखा अभी हाल ही में 1-2 साल पहले की बात है, जब भारतीय सेना ने खुद जाकर कार्रवाई की थी म्यांमार की सीमा में घुसकर, सर्जिकल स्ट्राइक हम कह सकते हैं, इस तरह के मुद्दे सामने आए। इसी साल एक और क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि साइबर वॉरफेयर इज कंसिडर्ड बाई सम डिफेंस एनालिस्ट टू बी ए लार्जर थ्रेट देन इवन अलकायदा और टेररिज्म। तो अपने आप में साइबर वॉरफेयर या हिंदी में कहा जाए इसको, तो कुछ रक्षा विश्लेषक इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम द्वारा युद्ध को अलकायदा और आतंकवाद से भी बड़ा खतरा मानते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम साइबर वॉरफेयर से क्या समझते हैं? भारत ऐसे जिन खतरों के प्रति संवेदनशील है उनकी रूपरेखा खींचिए और देश की उनसे निपटने की तैयारी को भी स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न पूछा गया है। तो साइबर वॉरफेयर, जैसे हम साइबर अटैक, साइबर टेररिज्म की बात करते हैं या साइबर क्राइम की बात करते हैं, तो साइबर क्राइम एक छोटा मुद्दा होता है जिसमें ईमेल पर धमकी देना या क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लेना या डेबिट कार्ड का पिन नंबर पूछकर, ये सब साइबर क्राइम के छोटे छोटे मुद्दे हैं। लेकिन जैसे ही हम साइबर अटैक और साइबर टेररिज्म की बात करते हैं, तो टेररिज्म जैसे किसी राष्ट्र के राज्य के विरुद्ध हमला होता है और जिसमें भारी स्तर पर जानमाल की हानि पहुंचाई जाती है, तो उस कंटेक्स्ट में देखा जाए, यदि साइबर वॉरफेयर को देखा जाए, तो साइबर के माध्यम से या सूचना तंत्र या जो इंटरनेट या इनका पूरा तंत्र है उसको तबाह करके, बिकॉज मॉडर्न एज में हमारी सारी चीजें या सभी टेक्नोलॉजी उस पर कनेक्टेड है, लाइक
फ्लाइट की सेवाएं हैं, रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम है, या हमारे टीवी चैनल्स हैं, मोबाइल चैनल्स हैं, ये सब कुछ मोबाइल नेटवर्क है, सब कुछ कनेक्टेड है इंटरनेट से। और यदि इंटरनेट के सिस्टम को ध्वस्त कर दिया जाए या उसके माध्यम से वायरस भेज दिया, जैसे अभी हाल ही में आपने सुना होगा रैंसम वायरस का, तो सिस्टम को कोलैप्स कर देना। और डेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डेटा किसी के सिस्टम से चला जाए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, चाहे वो भारत सरकार ही क्यों ना हो, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि आज की डेट में लोगों को मारने के बजाय इस तरह के वायरस, कंप्यूटर वायरस और इस तरह से यदि कर दिए जाए, तो वाकई किसी समाज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसलिए उसे अलकायदा और आतंकवाद से भी कुछ बड़ा खतरा माना गया है, बिकॉज इनको कंट्रोल करना टेक्नोलॉजी का काम है, और टेक्नोलॉजी में भी कई त्रुटियां कई बार आ जाती हैं सामने। तो भारत इसके लिए प्रयासरत है लगातार, आप देख सकते हैं सीडेक एक एजेंसी है, CERT कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया ये भी एक एजेंसी है, इसके अलावा भी कुछ हमारे पास विशेषज्ञ संस्थाएं हैं, NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाएं इस संबंध में कार्यरत हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मामला इससे कनेक्टेड दिखता है। तो इसको डिटेल आपको समझा दे रहा है। और अलकायदा और आतंकवाद से भी बड़ा खतरा क्यों कहा गया, क्योंकि मशीन के माध्यम से लड़ाई है और इंटरनेट के माध्यम से लड़ाई है, और आज की डेट में हम देख सकते हैं कि हर दूसरा बंदा इससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड नजर आ रहा है। जैसे इंडिया में ISIS को ज्वाइन करने का जो रास्ता निकल कर आता है, वो फेसबुक से मोटिवेट होकर लोगों ने ज्वाइन किया, तो अपने आप में ये खतरा काफी बड़ा खतरा दिखाई देता है। इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती हैं, इन स्थलों से क्या सुरक्षा उलझने प्रस्तुत होती हैं। तो कुल मिलाकर जिसकी बात मैं कर रहा था, ये भी प्रश्न आया हुआ है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से अभी आप देख रहे हैं कि लगातार यूथ इसको ज्वाइन कर रहा है, और 15 करोड़ से भी ज्यादा भारत में इसके फेसबुक के यूजर्स हैं। और समाज को एक तो फेसबुक अपने आप में संवेदनशील होता है, बिकॉज सभी उम्र के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, और किसी भी तरह की पोस्ट को संवेदनशील माना जा सकता है, खासकर तब जब धार्मिक और सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए या व्यक्तिगत मुद्दों से जुड़े पोस्ट पर लोग ध्यान देते हैं, तो अपने आप में एक बड़ा खतरा पैदा होता है, जिसमें समाज के लोग दंगों की शक्ल में सामने आ सकते हैं, या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने की शक्ल में। और जैसा अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि ISIS भी अपने नेटवर्क को स्ट्रांग कर रहा है और लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहा है। और हाल ही में हमने ब्लू व्हेल गेम का नाम सुना, जिसमें बच्चे सुसाइड करने तक की सोच लेते हैं, और ऐसी घटनाएं भी हो गई हैं। तो ये सारी चीजें सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से जो परोसा जा रहा है, वो अपने आप में चुनौतियां हैं, सुरक्षा की चुनौतियां हैं, दंगे फसाद के दृष्टिकोण से, या गुप्त सूचनाओं के लीक होने के डर से, या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन युवाओं को ज्वाइन करने के लिए कोड वर्ड में बात करते हैं, या उस तरह से उनको प्रलोभन देते हैं। तो डेफिनेट तौर पर इसको समझा जाए, इसको देखा जाए, और इसमें आपको बताना पड़ेगा सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती हैं और किस तरह से प्रभावित करते हैं, किस तरह के यूजर्स हैं भारत में। लगभग एक अंदाज आपको लिखना होगा कि कितने करोड़ यूजर्स हैं, उसके बाद इनसे उलझने क्या प्रस्तुत हो सकती हैं, या सुरक्षा की चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं, उनको विस्तारपूर्वक और उदाहरण के साथ आप लेटेस्ट जब भी आप मुख्य परीक्षा लिख रहे हो उसके साथ आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग पे एक प्रश्न पूछा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा रास्ता होता है जिसमें आप धन को, काले धन को, या अवैध धन को कहना चाहिए, नॉट काला धन, अवैध धन को आप किसी ऐसे रास्ते पर कन्वर्ट कर देते हैं, या किसी ऐसे माध्यम में कन्वर्ट कर देते हैं जहां से वो पैसा रेगुलर या लीगलाइज मनी के तौर पर कन्वर्ट हो जाता है, और ये पैसा किसी भी रूप में कमाया जाता है, और उसको लीगल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ये मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। लॉन्डर बेसिकली इंग्लिश का एक शब्द है जिसमें धुलाई करना हम कह सकते हैं, तो वहां से निकला हुआ शब्द है। और प्रश्न आया हुआ है कि अवैध धन स्थानांतरण देश के आर्थिक प्रभुसत्ता के लिए एक गंभीर सुरक्षा जोखिम होता है, भारत के लिए इसका क्या महत्व है, और इस खतरे से बचने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो आर्थिक प्रभुसत्ता का खतरा भी भारत के लिए आंतरिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है, और चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी एक पैरेलल इकोनॉमी के तौर पर जाने जाते हैं, और समानांतर अर्थव्यवस्था के रूप में इनको जाना गया है, और बहुत बड़े पैमाने पर इसके अलावा भी एक मुद्दा सामने आता है जिसमें डुप्लीकेट नोट्स या फेक नोट्स की दुनिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आर्थिक मामलों पर ये चुनौतियां बनी हुई हैं, और मनी लॉन्डर करने के बहुत सारे तरीके हैं उनको, जैसे ड्रग्स से पैसा कमाना, अफीम बेचकर पैसा कमाना, और उससे आए हुए पैसे को बहुत सारे जगह पर रूट कर देना, जैसे NGO में लगाकर हम उन पैसों का इस्तेमाल या अकाउंट्स में दिखा देना, और अभी हाल ही में सुना गया शेल कंपनियां जितनी होती हैं उनमें पैसा लगाकर
एक फर्जी कंपनी दिखा देना, उनके शेयर्स को मार्केट में अप दिखा देना और उसकी वजह से जो बेनिफिट हो रहा है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो अवैध पैसा है उसको वैध तरीके से बाजार में प्रवेश दे देना मनी लॉन्ड्रिंग है, और अपने आप में इससे इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस होते हैं। प्लस यदि ये आतंकवादी या इस तरह के संगठनों के साथ संबंधित है तो डेफिनेट तौर पर उनको लाभ इसका मिलता है, और जो किसी भी देश को नुकसान पहुंचाने में इस तरह के लाभ को उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये था 2013 के प्रश्नों का विश्लेषण और किस तरह से लिखना, एक छोटे से प्रयास में बताने का प्रयास किया गया है, और भी जो वर्ष हैं उनके प्रश्नों का विश्लेषण किया जाएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।